होता है, इसमें कितना फेस होता है, इसमें कितना वर्टेक्स होता है, इसमें कितना कॉर्नर होता है, इसमें भी अभी हम कंपेयर करके बताएंगे। तो क्यूब पढ़ने से पहले आप लोग को देखिए इसका जो डिफिनेशन होता है क्यूब का, वो होता है ए क्यूब इज ए सॉलिड बॉन्डेड बाय सिक्स रेक्टेंगल। सॉरी मैं यहाँ पे रेक्टेंगल के जगह पे, यहाँ पे देखिए क्यूबॉइड जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे हम क्यूब कर देंगे और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो इसका जो एग्जैक्ट जो मतलब होगा डिफिनेशन वो क्या होगा, ए क्यूब इज ए सॉलिड बॉन्डेड सिक्स स्क्वायर प्लेस इज कॉल्ड क्यूब। तो अब देखिए यहाँ पे जो ये जो बना है क्यूब जो बना है वो स्क्वायर से बना है। तो हम लोग स्क्वायर को पहले जानते हैं कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, उसका पेरीमीटर क्या होता है। तो स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है ए स्क्वायर, और पेरीमीटर जो होता है वो होता है 4 × साइड। तो ये समझ गए। अब देखिए वॉल्यूम इसका हम लोग यहाँ पे देख लीजिए, इसमें भी 6 फेज होता है, इसमें भी 6 फेसेस होता है। यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 काउंट करके हम देखेंगे तो 6 फेस होता है इसमें भी और इसमें। इसमें भी टोटल नंबर ऑफ एज कितना होता है, 12 होता है इसमें, और इसमें भी क्या बोलते हैं वर्टिक्स कितना होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पे देखिए कितना हो गया टोटल नंबर ऑफ ए, टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स कितना हो गया 8। अब चलिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो कैसे आया है, यहाँ देखिए इसका जो होता है ये क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू 6a² इसको अभी हम समझाएंगे उसके बाद इसको ड्राइव करेंगे। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब क्या होता है, 4a² होता है। अब वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होता है, a × a × a। ए के देखिए इसका तो लेंथ ब्रेथ और हाइट, ये मतलब कि क्यूब क्यूबॉइड में जो होता है वो मतलब कि लेंथ ब्रेथ हाइट डिफरेंट होता है, लेकिन क्यूब में लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों एकदम सेम होता है, तो उसी को हम लोग क्यूब बोलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे एल के जगह पे ए, बी के जगह पे ए और एच के जगह पे भी ए लिखी, तो इसीलिए ये क्या हो गया, ए क्यूब हो गया। अब डायगोनल ऑफ अ क्यूब क्या होता है, ए रूट थ्री। ये कैसे आया है, वो ये जो आया है कैसे आया है उसको हम प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम बताए थे कि इसमें कितना फेसेस होता है, 6। तो 6 है, 6 फेस है, तो 600 का मतलब एरिया निकालेंगे। तो अब बताइए कि स्क्वायर का जो होता है वो एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। अब यहाँ 6 फेस है तो 6a² हो जाएगा। अब यहाँ लिटरल सरफेस एरिया में क्या होता है, 4 साइड का निकालते हैं, 4 साइड का एरिया निकालते हैं। लिटरल में अप और डाउन मतलब कि ओपन रहता है तो उसको हम लोग नहीं लेते हैं लिटरल सरफेस एरिया में। तो इसमें 4 फेसेस का निकालना है तो इसीलिए 4a² हो जाएगा। अब चलिए हम इसको कैसे ड्राइव करते हैं फॉर्मूला में उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, कि इसको हम कैसे ड्राइव करेंगे, कैसे लाते हैं फॉर्मूला। देख लीजिए यहाँ पे मान के चलिए कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L b + b h + h l। अब बताइए कि यहाँ पे l कितना है, a है, b कितना है, a है, h कितना है, a है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है, l a b a, b भी है a, h भी a है, ये भी a है, एल भी ए है, मतलब कि ए इंटू ए कर देते हैं, ठीक है, ए इंटू ए प्लस बी भी ए है तो ए इंटू एच भी ए है तो ए कर देंगे, प्लस एच कितना है, ए है, और एल कितना है, ए है। अब इसको मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 3a² हो जाएगा। 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6a² देखिए 6a² आया। तो यही फॉर्मूला से, ये फॉर्मूला में जब भी पुट करेंगे तो ये आ जाता है। अब 4 देखिए 4a² कैसे आया है, इसको आप लोग
स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा फॉर्मूला कैसे लाए हैं, वो ड्राइव कैसे किए हैं। अब देखिए कि अब हम इसको प्रूव करते हैं कि ये जो 4a² कैसे आया है। यहाँ पे देखिए कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड्स का क्या होता है फॉर्मूला, 2 × L + B × H। अब देखिए इसमें क्या बोले थे कि L, B और H तीनों सेम होता है, तो 2 × A + A × A। L भी A होता है, B भी A होता है, H भी A होता है, तीनों सेम होता है। तो यहाँ पे देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं, A 2A × A। अब देखिए ये इससे मल्टीप्लीकेशन होगा, ये इससे मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 2 × 2 = 4, A × A, A² तो ये क्या आया, देखिए 4A² आया। अब यहाँ पे देखिए इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, इसका जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड्स क्या होता है, L × B × H। अब यहाँ पे देखिए पुट कर लेंगे, एल का वैल्यू भी दिया हुआ, A × A × A, ये क्या हो गया, ए क्यू हो गया, तो इसी से आया है क्या, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब देखिए इसका डायगोनल को हम लोग कैसे प्रूव करते हैं, ठीक, डायगोनल कैसे आया है A√3। तो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड जो है वो क्या है, √L² + B² + क्या हो जाएगा, H², ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पुट करेंगे तो क्या होता है कि L क्या है, A है, तो A² + B क्या है, मतलब B है, भी A है, तो A² + H क्या है, तो A². अब यहाँ पे देखिए पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, A² + A² + A², तो 3A² और एक काम है कि जब भी रूट के अंडर में अगर पेयर मिलता है, मतलब कि ए का जोड़ा अगर है तो वो बाहर निकल जाता है, जैसे 3A × A × A। तो यहाँ पे देखिए ये पेयर मिल गया, तो A√3 ये आ गया, A√3। आई होप कि ये टोटल हम ड्राइव भी कर दिए होंगे आप लोग को, मतलब ये समझ में भी आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग वीडियो को रोक करके देखिएगा। धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज को लेकर के आएंगे। थैंक यू।